आज हम फिर टूर करने वाले एक शानदार हाउस का, जो कि 15x50 पे कंस्ट्रक्टेड है। G+1 हाउस है, ईस्ट फेसिंग हाउस है एंड दिस इज़ अवेलेबल फॉर सेल, रेडी टू मूव अवेलेबल है। इसकी लोकेशन आ रही है निपानिया डी मार्ट से वॉकिंग डिस्टेंस पर। एक प्रीमियम कंस्ट्रक्शन है स्मॉल प्लॉट साइज़ पे, जो कि सेमी फर्निश्ड आता है। इसमें मॉड्यूलर किचन, फॉल सीलिंग एंड टीवी पैनल, एवरीथिंग वुडन वर्क कंप्लीट है। और इसका जो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट है वो जानने के लिए, या फिर इसकी जो प्राइस है वो जानने के लिए आप इस वीडियो को देखते रहिए। और साथ ही साथ अगर आप किसी कंस्ट्रक्शन के रिगार्डिंग इंक्वायरी कर रहे हैं इंदौर में, आपका कहीं पर प्लॉट है तो भी आप हमें कॉल कर सकते हैं सब प्रीमियम कंस्ट्रक्शन के लिए। सो आइए हम इसका फ्रंट एलिवेशन देख लेते हैं। सो दिस इज़ आर ब्यूटीफुल फ्रंट एलिवेशन बेस्ड ऑन मॉडर्न आर्किटेक्चर। और इसमें आप देखेंगे कि 4-way लाइट का कितनी ब्यूटीफुल तरीके से यूज़ किया हुआ है। दोनों साइड एक ऊपर साइड और नीचे साइड है। ऊपर टेक्सचर्ड वॉल आ रही है एक ब्यूटीफुल डिज़ाइन के साथ। और इस प्रॉपर्टी की जो लोकेशन है वो है निपानिया, जो कि डी मार्ट से वॉकिंग डिस्टेंस पर रहेगा। और काफ़ी अच्छी कॉलोनी है, काफ़ी शानदार कॉलोनी है, 80% भर चुकी है ये वाली कॉलोनी। इंटरनल पार्किंग सिर्फ 2-व्हीलर के लिए दी है, लेकिन हमने यहाँ पर आउटर पार्किंग जो दी है वो सफिशियंट है फॉर अ स्मॉल कार। और आप बड़ी कार भी यहाँ पर लगा सकते हैं। 5 फीट की पेवर ब्लॉक्स दिए हैं, यहाँ पर आपकी कार आ जाएगी। लाइटिंग अरेंजमेंट भी प्रॉपर किया हुआ है। और ये हमारा आता है एंट्रेंस डोर गेट, जिससे कि हम यहाँ से एंटर करते हैं। अब ये वाला जो अंदर का एरिया है ये 7x15 का एरिया है। यहाँ पर आपकी 3 2-व्हीलर आराम से आ सकती है। और ऊपर देखेंगे कि प्रॉपर लाइटिंग अरेंजमेंट किया हुआ है विथ अ गुड वुडन टेक्सचर पेंट। एंड यहाँ पर हमारा 6000 लीटर का वाटर टैंक आता है, जो कि एक टैंकर आप आराम से इस पर लगवा डलवा सकते हैं और भी जगह उसमें बच जाएगी। बोरिंग भी आपको यहाँ पर है, दोनों डुप्लेक्स में कॉमन बोरिंग है, लेकिन बोरिंग दी हुई है। और नर्मदा कनेक्शन भी इस कॉलोनी में है। ये हमारी आती है एंट्रेंस, काफ़ी वाइड है, 4 फिट, और एक हेवी डोर के साथ, हेवी सपोर्ट के साथ आता है ये गोदरेज के लॉक के साथ। और जैसे हम अंदर आते हैं, सो दिस इज़ आर ड्राइंग एरिया। ड्राइंग एरिया भी काफ़ी अच्छी साइज़ में है, 14x15 की साइज़ में है। एंड दिस कम्स विद अ ब्यूटीफुल 3D वॉलपेपर, काफ़ी शानदार वॉलपेपर यहाँ पर लगाया हुआ है। हम जो भी कंस्ट्रक्शन करके देते हैं उसमें आपको मॉड्यूलर किचन, फॉल सीलिंग, टीवी पैनल, हर रूम में एक वॉलपेपर, एक वॉल को हाईलाइट करके आपको देते हैं। सो इफ़ यू आर लुकिंग फॉर कंस्ट्रक्शन इन इंदौर, सो उसके लिए भी आप कॉल कर सकते हैं। और यहाँ से आप देखेंगे काफ़ी बड़ी सी एक विंडो आती है, 3-track विंडो है। और यहाँ पे हमने सेफ्टी ग्रिल, 16mm सेफ्टी ग्रिल्स के साथ आपको मॉस्किटो और टिंटेड ग्लास के साथ एक बड़ी सी विंडो दी है। दिस इज़ ईस्ट फेसिंग हाउस, तो काफ़ी शानदार सनलाइट आपके ड्राइंग एरिया में आएगी। इस साइड हम आते हैं तो एक पूरा कंप्लीट टीवी पैनल मिलता है। ये ऊपर माइका हमने लगाया है, वुडन टेक्सचर में पूरा टीवी पैनल मिलता है। और ऊपर आप देखेंगे फॉल सीलिंग, तो फॉल सीलिंग में एक पूरा यूनिक पैटर्न में आपको मिलेगा, जो कि फ्रंट एलिवेशन में डिज़ाइन था उसी को कंटिन्यू यहाँ पर भी आपको फॉल सीलिंग में दिखेगा। वो काफ़ी अच्छी प्रोफाइल लाइटिंग्स हमने यहाँ पर लगाई हुई है। और ऊपर आप देखेंगे यहाँ पर भी वुडन टेक्सचर में आपको सब कुछ सिमेट्री के साथ मिल रहा है। ऊपर भी वुडन टेक्सचर में है और यहाँ पर भी वुडन का काम किया हुआ है। दिस इज़ आर पार्टीशनिंग। एक छोटे हाउस को बड़ा दिखाने के लिए हम दीवार की जगह पार्टीशनिंग करते हैं, जिससे हाउस में ट्रांसपेरेंसी और ओपननेस बढ़ती है और साइज़ भी बड़ा लगता है। यहाँ हम आते हैं तो एक बहुत ही शानदार हमको यहाँ पर काम मिलेगा वुडन का। एंड दिस इज़ अ डबल हाइटेड डाइनिंग एरिया। इसमें सफिशेंटली 4 लोगों की डाइनिंग टेबल आराम से आ जाएगी। एंड दिस इज़ द डबल हाइट सीलिंग, आप देख सकते हैं काफ़ी ब्यूटीफुल वॉलपेपर के साथ आता है ग्रीन कलर में। और 3D वॉलपेपर है ये 2-way लाइट्स के साथ। और ऊपर आप देखेंगे सीलिंग में भी काफ़ी शानदार प्रोफाइल लाइट का काम किया हुआ है।
और यहाँ एक ईस्ट फेसिंग में मंदिर हमने प्लान किया हुआ है, काफ़ी शानदार डिज़ाइन के साथ मंदिर आता है आपका, बैक लिटेड एंड एज वी मूव हियर, ये स्टेयर केस के नीचे का एरिया वुडन का काम करके इसको पूरा स्टोरेज में कन्वर्ट किया हुआ है, पूरा स्टोरेज में यूज़ हो जाएगा आपके। और यहाँ पर एक वॉश बेसिन आता है टेबल टॉप के साथ। और अगर फ्लोरिंग की बात करें तो डबल चार्ज विट्रीफाइड टाइल्स का यूज़ हुआ है, 2.5-5 की फ्लोरिंग रहेगी। एज वी मूव हियर तो ये सेमी ओपन किचन है, यहाँ पर आप ग्लास का भी काम करवा सकते हैं या फिर आप इसको एज अ ओपन भी ऐसा छोड़ सकते हैं, यहाँ से आपका जो खाना है वो सर्व हो सकता है। दिस इज़ आर किचन, एक कंप्लीट किचन आता है, आप देखेंगे एक सिंगल स्टोन टाइल जो कि एक काफ़ी ब्यूटीफुल टेक्सचर के साथ आती है डार्क थीम में, और उसी को कंटिन्यू करते हुए हमने यहाँ पर टाइल लगाई है सेम पैटर्न के साथ। ये हमारी चिमनी कंप्लीट आती है और इसकी जो कंसील्ड एग्जॉस्ट है वो बाहर है हमारे वॉश एरिया में। दिस कम्स विद टू प्लेटफॉर्म, हियर वी हैव इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म जहाँ पे आपका माइक्रोवेव आराम से आ सकता है। दिस स्पेस इज एलोकेटेड फॉर फ्रिज, एक बड़ा सा फ्रिज यहाँ पर रख सकते हैं, 16 एम्पियर हमने दिया हुआ है। इस एरिया में आपका आरओ आएगा, उसके लिए भी हमने एक पॉइंट दिया हुआ है 16 एम्पियर के साथ। और ऊपर भी आप देखेंगे कि काफ़ी अच्छी स्टोरेज आपको यहाँ पर मिल रही है, और जो टेक्सचर था जो डार्क थीम में आपके प्लेटफॉर्म पे है वो वाइट थीम में आपके ऊपर स्टोरेज पे आता है। और हम आगे मूव करते हैं तो वेट एरियाज में हमने ग्रेनाइट की चौखट यूज़ करते हुए वुडन का डोर पीछे पीवीसी का काम दिया हुआ है। दिस इज़ आर वॉश एरिया, 4x6 का वॉश एरिया है, इसमें जो फ्लोरिंग है वो नॉन स्केटेबल है। और यहाँ पर आप देखेंगे टैब्स हमने वॉशिंग मशीन के लिए भी दिए हुए हैं और अलग से टैब यूटेंसिल्स वॉश करने के लिए दिया हुआ है। अगर हम यहाँ पर मूव करें तो यहाँ पर कंसील्ड जो पाइप है वो गैस के लिए है, गैस हमेशा OTS में ही रखना चाहिए गैस सिलेंडर। अगर सपोज़ कि गैस लीक भी होता है तो वो डायरेक्ट ओपन टू स्काई रहेगा, आपके घर में एंटर नहीं होगी गैस, तो वो उस चीज़ का ध्यान रखते हुए बाहर आपको मिलती है गैस की कंसील्ड पाइपलाइन और जो कि आपके प्लेटफॉर्म पे जाती है। और यहाँ पर आप देखेंगे कि 8 फिट तक आपको टाइलिंग मिल रही है, वेट एरिया है तो वेट एरिया में आपकी जो वॉल्स हैं वो ख़राब ना हो इसलिए, और सेम पैटर्न जो कि हमारे प्लेटफॉर्म पे था उसी प्लेटफॉर्म में यहाँ पर भी टाइल्स को लगाया गया है जो कि पूरा सिमेट्री को डिफाइन कर रही है। नाउ मूव, दिस वाज आवर किचन, फुल्ली स्टोरेज किचन था ये, और ये डाइनिंग एरिया ड्राइंग एरिया, यहाँ से हमारा एक कॉमन वॉशरूम आता है, कॉमन वॉशरूम भी काफ़ी अच्छी साइज़ में है, आप देखेंगे 5x7 का कॉमन वॉशरूम है। और इसमें सारी जो भी सैनिटरीज है वो है जैगवार की सैनिटरीज है। और सबसे मेन इम्पॉर्टेंट जो कमेंट आते हैं हमको कि आपने ग्राउंड फ्लोर में जो वॉशरूम दिया है उसका वेंटिलेशन कहाँ पर है, तो स्पेशली मैं बताना चाहूँगा यहाँ पर हमने एक बड़ा सा वेंटिलेशन दिया हुआ है जो कि ग्राउंड फ्लोर के वॉशरूम में आ रहा है। ठीक है, यहाँ से हम मूव करते हैं तो एक ये हमारा बेडरूम आ जाता है, इसकी भी साइज़ काफ़ी अच्छी है, 10x12 का ये बेडरूम है ग्राउंड फ्लोर पे, काफ़ी बड़ी सी एक विंडो के साथ है जो कि OTS से है, काफ़ी अच्छी एक बड़ी सी विंडो आती है, 3-चैनल विंडो आती है मॉस्किटो और टिंटेड ग्लास के साथ। ऊपर आप देखेंगे इसमें जो फॉल सीलिंग है वो भी काफ़ी सिंपल सोबर रखी हुई है, और यहाँ पर हमने इस वॉल को हाईलाइट किया है जो कि आपके बेड के पीछे वाली वॉल है, आपके यहाँ से ऐसा बेड आएगा
एंड दिस इज टेक्सचर्ड वॉलपेपर, कम्स विद अ ब्यूटीफुल डिजाइन। हमने बेडरूम में भी काफ़ी हैवी डोर्स यूज़ करे हैं और हर जगह काफ़ी हैवी डोर्स आपको मिलते हैं। ये भी आता है हमारे चार सपोर्ट के साथ। और कुछ लोग पीवीसी का डोर दे देते हैं वॉशरूम में, लेकिन हमने यहाँ पर एक प्रॉपर वुडन का हेवी डोर देते हुए पीछे पीवीसी शीट का काम किया हुआ है, जिससे कि वेट एरिया है तो हमारी जो चौखट है वो फूलेगी नहीं, एज इट इज़ ग्रेनाइट। एंड वुडन का प्रॉपर डोर आ रहा है, पीवीसी का नहीं है, प्रॉपर डोर आ रहा है और एक सिमेट्री को डिफाइन करते हुए सेम डिज़ाइनिंग के साथ, जो कि हमारे मेन डोर में था और सारे बेडरूम में है। सो दिस वॉज आर ग्राउंड फ्लोर और सारी फैसिलिटीज़ के साथ आता है, सारी चीज़ें यहाँ पर है। अब हम चलते हैं फर्स्ट फ्लोर पे। फर्स्ट फ्लोर पे चलने से पहले मैं आपको रेलिंग का बताऊंगा। यहाँ पर टफन ग्लास के साथ एसएस की रेलिंग हमने यूज़ की है, जो कि स्ट्रेंथ को भी बढ़ाता है। स्टेयरकेस कम्स विद सैंडविच कट विद अ ब्यूटीफुल फोर वे लाइट, और यहाँ पर भी फोर वे लाइट है। आप इसको पूरा वॉलपेपर से भी कवर कर सकते हैं इस एरिया को प्रीमियम दिखाने के लिए। जैसे हम फर्स्ट फ्लोर पे आते हैं तो ये आ जाता है ब्यूटी ऑफ डबल हाइटेड एरिया। डबल हाइट का एरिया अपने आप में ही काफ़ी अच्छा फीलिंग देता है, ओपननेस आपको पूरे घर में मिलती है। यहाँ पर शैंडिलियर के लिए एक जगह छोड़ी हुई है और ऊपर जिगजैग कट में आपकी प्रोफाइल लाइट्स आती है। यहाँ पर से दो बेडरूम आते हैं, एक इस साइड से एक बेडरूम आता है, कुछ स्टेप्स के बाद, तीन स्टेप्स के बाद हमारा बेडरूम आता है। इसमें आपको वुडन टेक्सचर्ड में फ्लोरिंग दी है, वुडन टेक्सचर्ड, और आप देखेंगे काफ़ी एक यूनिक पैटर्न के साथ। और यहाँ हम आते हैं तो आप देखेंगे कि बहुत ही शानदार रॉयल वॉलपेपर आपको मिलेगा गोल्डन टचअप में। इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन है, फ्लोरिंग का, वॉलपेपर का, और ऊपर आप देखेंगे सीलिंग का, सिंपल सोवर रखते हुए तीनों का जो कॉम्बिनेशन है वो शानदार लग रहा है। और इस साइड अगर हम आते हैं, इस बेडरूम का साइज जो है वो रहेगा आपका 13x15 का साइज रहेगा इस बेडरूम का। इसमें अटैच वॉशरूम है, दोनों बेडरूम में अटैच वॉशरूम है। और जो चीज़ हमने फ्लोरिंग में ली थी उसी पैटर्न में यहाँ पर वॉल को हाईलाइट किया हुआ है ब्रिक्स की डिज़ाइन के साथ। ऊपर आपका रेन शावर आता है और पेरीवेयर की फिटिंग्स है इस वॉशरूम में, नीचे वाले में जैगवार की फिटिंग्स है। और यहाँ पर आपको प्रॉपर वेंटिलेशन आता है इस वॉशरूम में भी, एज इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट कि वॉशरूम में वेंटिलेशन होना ज़रूरी है। तो हमारे कुछ वीडियोस में हमने वेंटिलेशन कवर नहीं कर पाए हैं, लेकिन उनमें भी वेंटिलेशन होता है सभी वॉशरूम में वेंटिलेशन देते हैं। यहाँ पर आपको कुछ एक अलग पैटर्न में हमने सीलिंग भी दी है, कोवलाइट के साथ आती है, आप देखेंगे डार्क सीलिंग के साथ कोवलाइट्स, इट्स लुकिंग अमेजिंग। एंड एज वी मूव हियर, सो यहाँ पर एक काफ़ी शानदार बालकनी दी है, चार लोगों के लिए सफिशिएंट है। और एक टफन ग्लास और एसएस की रेलिंग के साथ ऊपर भी आप देखेंगे जो हमने पार्किंग एरिया में डार्क सीलिंग और लाइट्स दी है वो यहाँ पर, सभी जगह पर एक पैटर्न को यूज़ करते हुए जो फ्रंट में आता है वो सेम आता है, जो बेडरूम में आते हैं वो चीज़ें सेम आती हैं। यहाँ पर आप वॉशिंग मशीन भी रख सकते हैं, इलेक्ट्रिकल कनेक्शंस दिए हुए हैं, वाटर आउटलेट भी यहाँ से दिया हुआ है।
और एक टैब भी आपको यहाँ पर मिल जाएगा अगर आप गार्डनिंग करना चाहते हैं, सो वो भी आप कर सकते हैं। सभी डोर्स और विंडोज़ को फोटो फ्रेम से कवर किया हुआ है। अगर यहाँ पर फोटो फ्रेम यूज़ नहीं की जाती है तो वो एरिया इनकम्प्लीट लगता है। तो हम जहाँ पर भी विंडोज़ या फिर डोर्स देते हैं उसको पूरा फोटो फ्रेम से कवर करते हैं। ये हमारा जो एरिया है डबल हाइट से आता है। दोनों साइड हमने विंडो दी है दोनों बेडरूम में। यहाँ से आपकी किचन और डाइनिंग एरिया में ट्रांसपेरेंसी रहती है। इसको कर्टन्स लगाकर भी कवर किया जा सकता है और एक वेंटिलेशन का भी पर्पज़ पूरा हो जाता है। क्रॉस वेंटिलेशन कंप्लीट हो जाता है यहाँ पर। यहाँ पर भी आपको 3-चैनल विंडो मिलती है। जहाँ पर भी फ्लोरिंग एंड हो रही है वहाँ पर हमने ग्रेनाइट का यूज़ किया हुआ है स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए। टाइल पर कहीं पर भी लोड नहीं आता है सडन। और इस वाले बेडरूम में भी आप देखेंगे कि वुडन टेक्सचर्ड में टाइलिंग दी है एक काफ़ी शानदार डार्क थीम में। और हियर वी हैव अ ब्यूटीफुल वॉलपेपर, प्रीमियम वॉलपेपर जो कि डार्क थीम के साथ ही चलता हुआ आ रहा है। और ऊपर सीलिंग में हमने कुछ डार्क एलिमेंट्स दिए हैं, डार्क कलर एलिमेंट्स जो कि लाइट्स के साथ आ रहे हैं। ये भी एक पूरा सिमेट्री को डिफाइन कर रहा है। ऊपर भी आप देखेंगे कि काफ़ी अच्छे प्रोफाइल लाइटिंग्स के साथ हमने सीलिंग दी है। इसका जो साइज़ आता है वो आता है 15x15 का साइज़ आता है इसका। और यहाँ पर भी हमको एक दो विंडोज़ मिल जाती है। एक यहाँ पर विंडो मिलती है जो कि OTS से आ रहा है और एक डबल हाइटेड एरिया में हमारा काफ़ी अच्छी विंडो आती है। अब यहाँ से आप ड्राइंग एरिया को भी देख सकते हैं। अगर इस एरिया को वॉल से कवर कर दिया जाता तो ये एरिया पूरा सेपरेट हो जाता, लेकिन यहाँ पर हमने इसको कर्टन्स लगा के कवर भी कर सकते हैं। और एक वो एरिया को भी आप देख सकते हैं, कनेक्टिविटी अच्छी रहती है। यहाँ ये वाला बेडरूम जो आता है वो ड्रेसिंग एरिया के साथ आता है कंप्लीट, काफ़ी अच्छी साइज़ में। ड्रेसिंग एरिया का साइज़ आपको 6x8 का साइज़ है, काफ़ी सफिशियंट साइज़ है। ड्रेसिंग एरिया में प्रॉपर लाइट दी है, बिकॉज ड्रेसिंग एरिया में भी वैसे भी लाइट होना ज़रूरी होता है। प्रॉपर लाइट आपको मिलेगी, आपके फेस पर प्रॉपर लाइट आएगी। और यहाँ पर भी लाइट कनेक्शन दिया हुआ है एक्स्ट्रा, कुछ अगर मिरर के आसपास लगवाना चाहे वो भी लगवा सकते हैं। ये दिस इज़ आर वॉशरूम, इसमें दोनों एरिया को सेपरेट कर दिया है। ये हमारा वेट एरिया है, थोड़ा सा एरिया उठाकर ड्राई एरिया करा हुआ है। प्रॉपर अरेंजमेंट के साथ इस वॉशरूम को बनाया हुआ है। यहाँ पर आप अपने कुछ सामान भी रख सकते हैं वॉश बेसिन के साथ। वो आता है ड्राई एरिया और ये आता है वेट एरिया, एक हाइलाइटेड वॉल के साथ। और इसमें भी वेंटिलेशन प्रॉपर है। और ऊपर सीलिंग में देखेंगे तो प्रॉपर आपको लाइटिंग्स मिलेगी। सो आगे बढ़ते हैं। एक बार फिर से मैं आपको विटनेस करवाना चाहूँगा हमारे डबल हाइटेड एरिया को जो कि डाइनिंग एरिया है। आप इस पूरे लुक को देखेंगे, काफ़ी शानदार लुक आता है, काफ़ी शानदार प्रीमियम वॉलपेपर के साथ। टू वे लाइट्स का यूज़ किया हुआ है। और अगर हम इस साइड आएँ तो आपको एक स्टोरेज एरिया मिलेगा ऊपर। एक प्रॉपर एल शेप में स्टोर एरिया है। कुछ भी आप स्टोर कर सकते हैं। एक प्रॉपर डोर के साथ। हाँ जी,
आपने इसका टूर करा, अगर ऐसा कंस्ट्रक्शन आप चाहते हैं तो आप गिवन नंबर पे कॉल कर सकते हैं। इस प्रॉपर्टी को विजिट करने के लिए भी आप हमें कॉल कर सकते हैं गिवन नंबर पे। अगर हम कॉल रिसीव नहीं कर पाते हैं तो आप व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। अगर आप इंदौर में कहीं पर भी प्रॉपर्टी सर्च कर रहे हैं या फिर कंस्ट्रक्शन के रिगार्डिंग इंक्वायरी कर रहे हैं, सो यू कैन डायरेक्टली कॉन्टेक्ट अस। हमारे पास काफ़ी ऐसा सॉल्यूशन है, इस पर हम इंटीरियर, सिविल वर्क, डिज़ाइनिंग, एवरीथिंग आपको कंप्लीट करके दे सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।